हेलो दोस्तों, स्क्रीन पे है टाटा पावर का चार्ट। अगर आप चार्ट देखें तो लास्ट टू लास्ट डे इसके अंदर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। जो ये सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये कम्प्लीटली लास्ट जो रेड कैंडल है उसको अपने अंदर एनगल्फ कर रही है। मींस दिस इज़ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। एंड जो रेड लाइन स्क्रीन पे दिख रही है, दिस इज़ 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि अगेन जस्टिफाई करता है कि इस स्टॉक के अंदर मोर अपसाइड देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर RSI का लेवल भी देखा जाए तो 58 पे दिखता है, जो कि 60 के बाद एक शॉर्ट टर्म में काफ़ी बुलिश ये स्टॉक नज़र आता है। एंड अगर इसके रीसेंट हाई की बात करें तो ये 268 का था, वहाँ तक के लेवल काफ़ी ईजिली देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी अगर क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें तो अपने हाईएस्ट एवर पे बैठी है। एंड लास्ट 12 क्वार्टर से अगर कंपेयर करें नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट को, तो वो सबसे हाईएस्ट एवर है। एंड 422 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे कंपनी करंटली जो है स्टैंड करती है। एंड ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जो ईयरली रेवेन्यू है वो भी हाईएस्ट एवर नज़र आता है, एंड ईयरली नेट प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स के अंदर हाईएस्ट एवर नज़र आता है। तो आई कैन सी मोर अपसाइड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन डू योर ओन एनालिसिस एंड यू कैन बाय आफ्टर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।